जो एक गरीब बंदा पे करता है वो कम से कम 2,60,00,000 रुपए है, 2,60,00,000 रुपए। और जो पानी हमें टैंकर के जरिए मिल सकता है वो लाइनों के जरिए भी मिल सकता है, लेकिन वो देते नहीं है। वो क्योंकि एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया है, वो हमसे और हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी मेहनत से जो पैसे वो नचोड़ रहे हैं, हमें हमारे मतलब हमसे नचोड़ रहे हैं वो। अब जिस तरह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का कहा है कि पानी का सबसे बड़ा इशू डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर ही है, और हमें भाई आपको आप जिस तरह आरओ प्लांट के इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, जो कि अली जेबी साहब है हमारे जो मिनिस्टर है, पीटीआई के मिनिस्टर है। केपीटी वो इदारा है जिन्होंने कयूमाबाद का पुल बनाया, कि माड़ी से और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से हटकर ये पुल बनाया, करोड़ों रुपए के अंडर पास बनाए। तो अगर हम अली जेबी साहब को मजबूर करें और उनसे कहें कि आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर आरओ प्लांट्स की तंसीब करें बड़े पैमाने पर, तो हमारा पानी का मसला काफ़ी हद तक 50-60% तक दूर हो सकता है। ऑलरेडी लाइनों में भी पानी आ रहा है, बड़े आरओ प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। समंदर हमारे करीब है, अगर केपीटी चाहे, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर चाहे, वो सब कुछ कर सकते हैं। सब पिछली गवर्नमेंट में केमाड़ी के अंदर ही सिर्फ जो नून लीग के जो एमपीए साहब थे उन्होंने कम से कम 1.5 अरब रुपए के काम लिए थे और केमाड़ी में काम करवाए थे केपीटी से। अगर ये 1.5 से 2 अरब रुपए हम केपीटी को कहकर आरओ प्लांट अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बड़े लेवल पे लगाएं तो हमारा ये मसला तकरीबन हल ही हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मसला ये हल हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये कि उन्हें सजेशन देना है, उन्हें समझाना है कि किस तरह हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जो हमारे मिनिस्टर हैं हम उनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसमें कोई चूँकि उनका अपना एक सोशल एक वेलफेयर फंड होता है जो अरबों रुपये का होता है, वो कर सकते हैं हमारे लिए। तो हम केमाड़ी के जो पानी का मसला है वो ख़त्म कर सकते हैं, हम औरंगी का मसला हल ख़त्म कर सकते हैं, पानी का जो मसला है वो ख़त्म कर सकते हैं। पिछली गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबन सिर्फ केमाड़ी में 1,20,00,000 रुपए के आरओ प्लांट लगाए थे जो एक दिन भी नहीं चला, और पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से ये 20 से 25 बड़े आरओ प्लांट हैं जिनमें तकरीबन 1 या 2 आरओ प्लांट चल रहे हैं, बाकी सब बंद पड़े हुए हैं। और